भारत बढ़ाएगा पाकिस्तान का सिर दर्द। पाकिस्तानी सीमा के चप्पे चप्पे पर होगा आईबीजी का दबदबा। आईबीजी की तैनाती से पाक की नाक में दम करेगा भारत। पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद होगी हराम। आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती के लिए मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अक्टूबर से इनकी तैनाती पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर हो जाएगी, जिसके बाद परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाएगा और घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये आईबीजी है क्या। आईबीजी में सेना के 5000 उच्च प्रशिक्षित जवान होते हैं, जिनकी कमान मेजर जनरल के हाथ में होती है। आईबीजी दुश्मन के किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम होता है। आईबीजी के पास अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम, तोप और टैंक होते हैं। इसकी वजह से इसे किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में मदद का इंतजार नहीं करना पड़ता और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। हमारी सेना पहले ब्रिगेड सिस्टम पर काम करती थी, जिसे हमले का जवाब देने के लिए टैंक रेजिमेंट या वायु सेना का इंतजार करना पड़ता था। एक आईबीजी में सेना के दो ग्रुप काम करते हैं, जिन्हें दो तरह से अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए सैन्य दलों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहले दल की भूमिका सीमा पार से हुए हमले में आक्रामक भूमिका निभाने की होगी, जबकि दूसरा दल दुश्मन के हमले को रोककर अपने इलाके का बचाव करेगा। आईबीजी पर भारतीय सेना बीते 4 महीने से काम कर रही है। पंजाब के वेस्टर्न कमांड में इसका अभ्यास भी हो चुका है। पाकिस्तान के बाद इसे चीन की सीमा पर भी तैनात किया जाएगा।